एवरीवन, आज का लेक्चर कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके सक्सेसर एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स पे हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट एक फंक्शनल बॉडी थी जो क्रिएटेड की गई थी बाय यूएन चार्टर इन 1946। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस कर दिया गया था बाय यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से इन 2006 में। ये नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है एंड इट इज फॉर जनरल अवेयरनेस कि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस कब किया गया था और किस काउंसिल से रिप्लेस किया गया था। दिस इज द जनरल अवेयरनेस। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो डायरेक्टली कंसर्न करता है विद ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स गोल सेट करने होते हैं दैट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंडर आर्टिकल 68 यूएन चार्टर वॉज एम्पावर्ड टू सेट अप कमीशन जिसमें प्रमोशन किया जाए ह्यूमन राइट्स को एंड सच अदर कमीशंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। सो जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है वो इस्टेब्लिश किया गया था बाय द अप्रूवल ऑफ जनरल असेंबली ऑन 12 फरवरी इन 1946। ये कमीशन वॉज क्रिएटेड एज अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ द काउंसिल था। इस कमीशन में 18 मेंबर्स थे जो इलेक्टेड किए गए थे बाय इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से। ईच स्टेट मेंबर सिलेक्टेड इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। सिंस 1991 द कमीशन हैज 53 मेंबर गवर्नमेंट्स बट लेटर इट गेट रिप्लेस बाय यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीटिंग हेल्ड होती थी इन जेनेवा फॉर 6 वीक्स बिगनिंग इन मार्च और इन मीटिंग में दे मेक अ डील एंड they make sessions with urgent human rights situations. The commission submitted its report to Economic, Social and Council, which in turn reported to the General Assembly. So, इस commission का जो goals होते थे, जो sets, जो recommendations और reports होते थे, they are determined by that on the international bills of right हो, on civil liberties, international declarations and conventions. These all are the recommendations and reports on the following items they prepare. The protection of minorities, migrant workers, refugees, etc. The prevention of discrimination on ground of race, sex, language or religion. So, Commission on Human Rights jo tha, wo for the prevention of discrimination ke liye bhi work out karta tha, protection of minorities ke liye bhi, migrant workers ke liye bhi, refugees ke liye bhi, लिबर्टीज इंटरनेशनल डिक्लेरेशन कन्वेंशन के रिगार्ड में भी रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन स्टैब्लिश करता था। द कमीशन वॉज एम्पावर्ड टू कैरी आउट स्टडीज मेक रिकमेंडेशन एंड ड्राफ्ट न्यू इंटरनेशनल ट्रीटीज। सो इन एडिशन इट कुड इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन। तो इन शॉर्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स माइनॉरिटीज रिफ्यूजीज ऑफ एनी वन उसके रिगार्ड में इट यूज टू प्रोसेस एंड एक्सेस इट्स वर्क रिगार्ड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरीवन। जनरल असेंबली ने जब बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन ऑन 15 मार्च 2006 रिजॉल्व टू एस्टेब्लिश द ह्यूमन राइट काउंसिल टू रिप्लेस द ह्यूमन राइट कमीशन। एज आई डिस्कस कि ह्यूमन राइट काउंसिल रिप्लेस किया गया बाय कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स से। So the it's the work for the promotion and protection of human rights tha UNHRC ka. So UNHRC ek humanitarian work karta hai. It practice a humanitarian work aur ye koi political character play out nahi karta. It is a non-political in character. Iske 5 core mandate function hai that is provide international protection to refugees. International protection refugees ko provide karne ke liye durable solution to their problems or other problems for other problems, assistance to the government. These are the 5 core mandate function that are practiced by UNHCR. Ki kaise relevant update statistics karein other information ki supervision of international instruments and protecting refugees. So in this way it goes on ki support in the creation and maintenance of an international protection regime. Kaise international protection kar sakte hain, maintenance kar sakte hain,
एट इंटरनेशनल लेवल कि इम्प्रूव की जाए पॉलिसी एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस ऑफ मिक्स फ्लोज ऑफ असाइलम सीकर्स, इंक्रीज करने में हेल्प किया कि कैसे रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस होना चाहिए फॉर असाइलम सीकर्स एंड रिफ्यूजीज, इनहेंस प्रोटेक्शन कैपेसिटी इन होस्ट कंट्रीज. तो ये सारी चीज़ों पे ड्रॉ आउट किया गया फोकस थ्रू UNHRC. इंश्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स बॉयज वुमेन्स एज इट स्टेटेड कि इट प्लेस अगेंस्ट की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फिजिकल सिक्योरिटी हो, रिड्यूस हो इंसिडेंस ऑफ वायलेंस, प्रिवेंट किया जाए सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करने में हेल्प किया वुमेन्स एम्पावरमेंट में, प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन, रिड्यूस द प्रिवलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ HIV AIDS, सेफ गार्ड द राइट टू एजुकेशन. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके सारे रोल्स ऑब्जेक्टिव्स थे UNHRC के, जो प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट टू इंश्योर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वायलेंस ना हो अगेंस्ट एनी जेंडर. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द UNHRC का था कि इट सीक ड्यूरेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स स्पेशली फॉर द प्रोटेक्टेड रिफ्यूजी सिचुएशंस. फैसिलेट किया गया, प्रमोट किया गया वॉलेंट्री मूवमेंट्स कि कोई भी रिफ्यूजी को हार्म ना पहुँचाए या उन लोगों के साथ कोई ट्रीटमेंट ऐसा ना हो जो उनके अगेंस्ट हो टूवर्ड्स देयर डिग्निटी एंड लाइफ. इनहेंस रिसेटलमेंट एज अ प्रोटेक्शन टूल एंड ड्यूरेबल सोल्यूशन. स्ट्रेंथन किया लोकल इंटीग्रेशन एज अ ड्यूरेबल सोल्यूशन. प्रमोट रिफ्यूजी सेल्फ रिलायंस इन स्टेबलाइज सिचुएशन. ऑफकोर्स रिफ्यूजी का सेल्फ रिलायंस शुड बी प्रमोटेड एंड दीज ऑल द थिंग्स दैट दे मेंटेन एंड कीप इट टू दैट लेवल कि सेल्फ रिलायंस हो और अच्छे से अच्छा कोई सोल्यूशन वे आउट निकले एंड दे गिव अ गुड एंड स्टेबलाइज सस्टेनेंस लिविंग ऑफ द रिफ्यूजी ऑल्सो. सो द इंटरनेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग पब्लिक ओपिनियन फॉर द नीड ऑफ ऑनरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट टू इरेडिकेट द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन कमिटेड ऑन ह्यूमैनिटी. सो UNHRC का जो एक्चुअल गोल था, इट इज जस्ट टू प्रमोट ह्यूमैनिटी. एज आई हैव टोल्ड कि उसका एक्चुअल ह्यूमैनिटेरियन वर्क था कि कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एंड इट हैज गिवन कॉन्क्रीट हेल्प एंड असिस्टेंस इन इट्स रिमेडियल एक्टिविटीज एंड इट ऑल्सो हेल्प in making the less of violation of human rights all over the world. And its working is democratic and has been accorded positive recognition even by the developed and powerful states. The commission is progressing well. The number of states which actively participate in its function needs enhancement. So this I have provide you the short note on the Commission on Human Rights, which will definitely help you out in the exam and for preparing your notes. Thank you so much for watching this video.